ये देखें दोस्तों, हमारे पास अंडे कुछ पड़े थे मुर्गी के, लेकिन हमारी मुर्गी जो है ना वो कुड़क पर तो है, लेकिन हमने बिठाई नहीं है कि यार अंडे बच्चे निकलवाते हुए ना मुर्गी ऐसे एक्सपायर कर लेंगे। दोस्तों मैं चेक करके ना अंडे फेंकने लगा था, मैंने कहा यार ऐसे ही ये खराब हो गए होंगे, तो ये देखें अंडा फर्टाइल हुआ हुआ है। दोस्तों ये ना दूसरा अंडा है और माशाल्लाह से दूसरा अंडा भी फर्टाइल हो गया है। उस अभी ना मैं अंडे तोड़ने लगा हूँ। ये देखे दोस्तों अंडा खराब निकला, ये भी और ये भी दोस्तों अंडा खराब निकला है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है मेरे भाई ठीक होंगे, खैर के साथ होंगे। दोस्तों मैं ना सेटअप के ऊपर आ गया हूँ। दोस्तों गर्मी काफी ज्यादा है, तो आते साथ ही मैं ना ये तिरपाल हटाता हूँ। नहीं दोस्तों मैं गबरू को निकालने लगा हूँ बाहर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, साढ़े आ जाओ। नहीं दोस्तों ऑलमोस्ट मैंने सारे परिंदे को निकाल लिया और तिरपाल मैं साइड पे करता हूँ क्योंकि दोस्तों छाव हो सके। और अभी मैंने रखता हूँ पानी। और दोस्तों इधर से है ना हमारे जो तीन अंडे हैं ना, ये तीनों के तीनों खराब निकले हैं और इन्हें मैंने तोड़ दिया है। दोस्तों जो बाकी दो अंडे हैं ना वो तो फर्टाइल हो चुके हुए हैं, तीन हमारे खराब हो गए हैं, तो मैंने उन्हें दोस्तों आपके सामने तोड़ दिया। और अभी मोहसिन भाई भी आ गए डाइट लेके। हाँ जी मोहसिन भाई, क्या हाल है? ठीक है ठीक है जी, शुक्र अल्लाह का। दोस्तों कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक? नहीं ये मोहसिन भाई क्या लेके आए हैं? ये रोटी है, घी हुई। अच्छा बीच में पत्ती भी है, सब कुछ बीच में मिक्स किया हुआ है। और यार इनको पानी रखो। और ये पता ज्यादा इसी छत पे रहते हैं क्योंकि इधर छांव आ जाती है जल्दी, और ये सारा दिन दोस्तों फिर जो है ना इस छत पे घूमते रहते हैं। इधर हम पानी जो है ना छत पे पूरी पे डाल देते हैं। और ये देखें यार हमारा झोले वाला कबूतर जो अंडों पर बैठा हुआ है, ये इसकी फीमेल है, इसने दिए हैं अंडे। और ये देखें ये कबूतर जो है ना बीमार है लेकिन फिर भी जो है ना अंडों पर बैठा हुआ है, तो इसको उठाते हैं। ये देखें दो अंडे और इसके काम चेक करें, इसको मैं खुद खिला रहा हूँ, हैंड फीड करवा रहा हूँ इसको, लेकिन अंडों का इसको बड़ा चाह है। तो भाई इधर मैंने पानी रख दिया है। और सुल्तान को भी पानी रखो। ये दोस्तों हमारा सुल्तान पागल, इसको हमने लैदा किया हुआ है। और दोस्तों माशाल्लाह इसकी खूबसूरती चेक करें, माशाल्लाह फुल लैस हुआ हुआ है। और इसकी टेल यार वैसी लग रही है जैसे इंडोनेशिया की ब्रीड हो ना यार, वैसे ही लग रहा है मुझे आज तो। हाँ उसकी भी काफी लंबी टेल है। दोस्तों सुल्तान जो है ना, सुल्तान को हमने बाहर निकाल दिया और निकलते दोस्तों सोने के पास चला गया क्योंकि यार इसकी बिल्कुल उसके साथ नहीं बनती। अगर सितारे को निकाले तो वो भी लड़ने के लिए चला जाता है। और यार इधर अगर बात करें तो इसकी यार मैं टेल की बात आपको बता रहा हूँ कि वैसी लग रही है। दोस्तों इंडोनेशिया की एक ब्रीड है याम कॉल लीदी, तो अगर आप उसको निकाल के देखें ना गूगल करें तो वो बिल्कुल उसकी टेल लंबी है और इस तरह बारीक सरियां हैं। आज तो वैसे ही लग रहा है मुझे सुल्तान अपना। और दोस्तों ये जो पैरट बी है ये भी उधर से बना हुआ है, ये इंडिया की ब्रीड नहीं है। पैरट बी जो है ये इंडोनेशिया की ब्रीड जो है उसमें से ब्रीड ली हुई है, आगे क्रास डलवाया हुआ है उसका और अमरोहे का ये क्रास है। दोस्तों हमारे इधर पाकिस्तान में जो इंडियन पैरट भी बोलते हैं ना, वो दरअसल हमारे पूरे पाकिस्तान में यही दोस्तों को पता कि यार वो इंडिया की ब्रीड है इंडियन पैरट भी जो है, लेकिन वो अमरोहे में से और इंडोनेशिया की जो ब्रीड है उसमें से वो ब्रीड निकाली हुई है, तो तब जाके वो जो बना है इंडियन पैरट भी। दोस्तों याम कॉल लीदी लिख के आप जो है ना गूगल पे सर्च करें, आपको मिल जाएगा वो, और इंशाल्लाह आपको बड़ा मज़ा आएगा वो ब्रीड देख के। इतना पैरट भी देख के जो है ना वो मज़ा नहीं आएगा आपको जितना वो याम कॉल लीदी देख के आपको मज़ा आएगा। बहुत आउट क्लास ब्रीड है, हमारे पाकिस्तान में इधर बिल्कुल किसी भाई ने भी नहीं रखी हुई। इंडियन पैरट भी है और शामू है, तो वो तीसरी ब्रीड जो है वो बिल्कुल किसी को नहीं पता, किसी ने रखी भी नहीं हुई और हमारे पाकिस्तान में पूरे में नहीं है। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो ये दोस्तों अजैर नीचे मोबाइल लेने गया है, कहता है कि यार दोस्तों के साथ ना शेयर करते हैं, नीचे से मैं मोबाइल लेके आता हूँ, हम खुद निकालेंगे गूगल से और सर्च करके आपको दिखाते हैं कि इंडियन पैरट बी से वो उसकी टेल कितनी मिलती है। वो इंडोनेशिया की ब्रीड है और दोनों जो है ना उनकी ब्रीड मिलके तो ये तीसरी ब्रीड बनी हुई है। और दोस्तों रैकेट राया को मैंने टीटी मास्टर को डाइट रख दी है, ये रोटी है बिगी हुई, बीच में पापे जो है वो तोड़ के मैंने डाले हुए हैं, पत्ती है बीच में, और ये इस तरह से डाइट बना के इनको दे दी हुई है। और मौसम में इस तरह की ब्रीड है। और दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो है ना ब्रीड इस तरह से है कुछ। देखिए इंडियन पैरट भी का फेस भी आ रहा थोड़ा मुझे, इधर से तो नजर ही नहीं आ रहा। दोस्तों ऊपर तो यार बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था, हम आ गए नीचे। तो सिर्फ आपको तस्वीरें दिखाने के लिए हम नीचे आए हैं कि ताकि यार हमें भी पता चले और आपको भी हम दिखा सके। ये देखें जी दोस्तों ये थोड़ा खड़दुम्बा सा है, लेकिन इसमें अगर आप गूगल करेंगे ना तो बहुत आउट क्लास जो है ना टेलें निकलेंगी। दूसरा ये वाला हो गया, दो तस्वीरें हमने इसकी ली हैं और दो फीमेल की ली हैं। अच्छा ये तीसरी भी है, ये जी अयाम इक्योर लीदी, ये ब्रीड है इंडोनेशिया की। दोस्तों आप टेल वगैरह इसकी चेक करेंगे माशाल्लाह कितनी लंबी है। और ये ब्रीड अगर पाकिस्तान के अंदर हो ना तो ये रखने वाली है यार। यार वैसे अगर बंदे ने लेने जाना तो ये वाली ब्रीड ले, ये कार्गो हो सकती है। मौसम भाई सबसे मेरे अंदाजे से बेस्ट ब्रीड है, मौसम ये सेम टू सेम मियां वाली की तरह भी है, रेड बी की तरह भी है, लंबी टेल भी है
और ये लड़ने वाली ब्रीड भी है। हाँ लड़ने वाली ब्रीड भी है। और दोस्तों इसकी हमने फाइट वगैरह भी देखी है, बिल्कुल सेम मियां वाली की तरह लड़ता है ये। ये देखे दोस्तों पीली चीनी जो फीमेल है, हमने इसका स्क्रीनशॉट लिया है माशाल्लाह। इसकी हाइट चेक करें और इसकी टेल चेक करें। दूसरी ये वाली हो गई और ये देखें। ये दोस्तों तीन फीमेल हमने जो है ना स्क्रीनशॉट लिए हैं और तीन ही मेल के लिए हैं। हमें तो माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त यार ये चीज लगी है। लंबी लंबी सरियां, लंबी लंबी दुम है मोहसिन भाई, क्योंकि यार हम यार शकीन लोग हैं तो हम यही चीजें जो है ना नेट वगैरह पे देखते हैं कि यार कौन सी ब्रीड किस इलाके से किस जगह से अच्छी है। तो सबसे अच्छी ब्रीड तो मुझे यार यही लगी है, मुझे भी यही लगी है। ये लड़ती भी है, इसकी नलियां मोहसिन भाई बहुत मोटी है, खपड़ेल नली है इसकी, और उसके अलावा इसकी जो सरियां बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। हाँ इंडियन पैरट बीक में बात सुन, इंडियन जो इंडियन पैरट बीक है वो लड़ता नहीं है। नहीं वो लड़ता है लेकिन वो हाई क्वालिटी का नहीं लड़ता, वो इतना कीलखार नहीं है। लेकिन ये जो है ना ये बहुत कील वाला है मुर्गा है, ये बहुत कील मारेगा क्योंकि इसकी सरियां जो है ना बिल्कुल कांटेदार बहुत ब्रीक है यार। जो इंडियन पैरट बीक है वो आ जाता है अपने फैंसियो में आ जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये फैंसियों में ये मैं कहता हूँ पूरा मुकाबले में आता है, खूबसूरत भी लगता नहीं, है। लेकिन वो भी उसने उन्होंने ली है ना अमरोहे में से और इंडोनेशिया की ब्रीड मिला के उन्होंने ली है इंडियन पैरट बीक। ये देखे ना ये भी कोड ली दी है, लेकिन इसका भी फेस है पैरट बीक की तरह थोड़ा सा। हाँ सेम वैसा ही है। हाँ। तो जहाँ तक हमें नॉलेज है हमारी कोशिश होती है यार आपसे जरूर शेयर करें, नॉलेज है या नॉलेज न्यू मिलता है तो हमारा इरादा होता है कि यार आपसे जरूर शेयर करें। तो आप हमारी बात से कितने मुतफिक हैं तो आप ज़रूर अपनी राय जो है ना वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ये जितनी हमने डिस्कस की है तो आप दोस्तों से भी शेयर की है तो ये आपकी वजह से ही की है। तो आपने कमेंट में ज़रूर यार हमें लिखना है कि आपको ये बात हमारी जो है ना कितने परसेंट वो ठीक लगी है। दोस्तों हम ना वापस छत के ऊपर आ गए हैं और आते साथ हम ना अपने परिंदे को खोलते हैं और इनका ना पानी वगैरह चेंज करते हैं क्योंकि यार मैं अंडे उठाने लगा हूँ इसके यार गर्मी है, वो बीमार हुआ है अंडों पर बैठ रहे हैं वो। हाँ वो एक्सपायर्ड ना हो जाए। तो दोस्तों मौसम में उधर से पिजन के अंडे उठाने लगे हैं और मैं इधर से इन्हें खोलता हूँ, हमारा सोना साहब आज बाहर। और इनका दोस्तों जो पानी है ना देखे रेता गई हुई है तो ना हम ये यहाँ से गिरा देंगे ताकि इनका जो केज है वो ठंडा भी हो जाए और हम इसमें न्यू पानी डालेंगे। देखिए सारी सारी रेता लगी हुई है और दोस्तों जो रेता वो इनके लिए नुकसानदेह है तो हम इसे निकाल देंगे रेता को। दोस्तों हमने साफ पानी इन्हें रख दिया है, अब ये स्पून से हमारे परिंदे पानी पी लेंगे और अब हम इन्हें करते हैं बंद। मौसम इन्हें डाइट वगैरह रख दी है। ये देखो इस तरह जो मैं पानी जो है शाम में डाल देता हूँ रोजाना और ये केजेस ठंडे हो जाते हैं। हाँ जी और इधर से दोस्तों हमने इन्हें पानी भी रख दिया, डाइट भी रख दी है, अच्छे तरीके से हमने इनके केज में पानी भी गिरा दिए ताकि दोस्तों इनका जो केज है वो ठंडा हो जाए। अभी मौसम भाई दोस्तों रखने हैं डाइट सुल्तान को, तो मौसम मैंने इधर सुल्तान को भी पानी वगैरह रख दिया है, डाइट वगैरह रख दी है और हमारा सुल्तान डाइट खा रहा है। और इधर से दोस्तों जो हमारा सितारे वाला केज है इसे भी हम डाइट और पानी वगैरह रख देंगे और इसका जो बर्तन है वो साफ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया ये। दोस्तों इनका जो बर्तन है सबसे ज़्यादा गंदा होता है, पता नहीं ये क्या करते हैं, इनका दोस्तों हर टाइम जो बर्तन है गंदा ही रहता है। ये दोस्तों फाइनली हमने सारे को भी डाइट वगैरह रख दिया है और इधर से मौसम मैंने पानी रख दिया है और साथ ही डाइट खा रहे हैं माशाल्लाह से। और दोस्तों मौसम मैंने इधर से अंडे भी उठा दिए हैं। अब दोस्तों ये जो हमारी फीमेल है वो अंडा देख रही है कहाँ पर चला गया है, लेकिन हमने 200 अंडे इसलिए उठाया कि ताकि एक्सपायर ना हो क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है मेरे भाई को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कर दे लाइक, चैनल कर दे सब्सक्राइब, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।